नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। जय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बात करें सुंदरी की, फिल्म का नाम बहुत अच्छा है, यूनिक नाम है सुंदरी, और सोनभद्र में शूटिंग चल रही है सुंदरी सोनभद्र में। ऊपर से दो दो सुंदरियां आपके साथ हैं, अटकेलियां रंग क्या बोल सकते हैं, रोमांस या स्क्रीन शेयर, ऐसा तो शूटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, सुंदरी टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा किस जॉनर की फिल्म है। सोनभद्र में मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ, बट सोनभद्र मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ के लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सभी जगह हवेली हो गया या घर हो गया, खंडर हो गया, जो भी है वो सब अच्छे मिल रहे हैं। और रही बात दो सुंदरियों की, तो हमारी फिल्म में यामिनी जी हैं और शुभी जी हैं, दोनों भी एक्ट्रेसेस के जो रोल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो शूटिंग मतलब आपने कहाँ किया? बहुत ज़्यादा लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, बट हितौनी करके कोई गाँव है जहाँ पर एक हवेली है, उसके आस कुछ जगह है, और दो तीन मीन्स माउंटेन टाइप के जगह थे जहाँ पे हम लोगों ने शूट किया, कुछ झील टाइप के जगह थे वहाँ शूट किया। एग्जैक्टली मुझे प्लेस नहीं पता है, कुछ टेम्पल्स यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया, तो कई सारे लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया अभी तक। सोनभद्र सब अच्छा क्या लगा और यहाँ पे खूबसूरत क्या चीज़ है जो कि पहाड़ पे बसा हुआ है लेकिन लगता नहीं है कि पहाड़ के ऊपर इतना? यहाँ पे खास बात मुझे ये लगा कि हम जितना नीचे जाते उतना पहाड़ मिलता है। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि पहाड़ मतलब, हम सोचते बचपन से सोचते आए थे कि पहाड़ का मतलब होता है ऊपर, लेकिन हम अभी नीचे जाते हैं तो हमको पहाड़ और खाई दिखाई पड़ रहा था। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था वो जहाँ पे हम लोगों ने सॉन्ग अपना शूट किया। मतलब हम नीचे जा रहे हैं और पहाड़ मिल रहा है, और नीचे जा रहे पहाड़ मिल रहा है, और नीचे जा रहे झरना मिल रहा है, तो वो लोकेशन मुझे, मैं एग्जैक्टली जगह नहीं बता पाऊँगा कौन सा जगह है, जगह का नाम ध्यान में नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। सुंदरी दर्शकों के बीच में कितना सुंदर लगने वाली है, कितना आकर्षण होगा सिनेमा हॉल पर पब्लिक को खींच के लाएगी? देखिए, मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि सुंदरी फिल्म दर्शकों को पसंद आएगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत दिल से बनाई जा रही है, हर आर्टिस्ट अपना 100% दे रहा है, और कंटेंट भी ऐसा है कि आपको गुदगुदाएगी भी, आपको रुलाएगी भी, आपको हंसाएगी भी, और डराएगी भी, तो उसमें हर एक मसाला है। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम हॉरर कॉमेडी फिल्में बनती हैं और इमोशनल फिल्में बनती हैं, तो उस जोनर की हमने रिस्क तो उठाया है, बट स्टिल मैं उन लोगों पे भरोसा करता हूँ कि उनको अच्छे कंटेंट पसंद आएंगे और वो हमारी फिल्म को पसंद करेंगे। तो दो सुंदरी में जैसे कि सुरेश शर्मा जी हैं, यामिनी जी हैं, तो आपकी किसके साथ केमिस्ट्री जम रही है? जी देखिए, सुंदरी तो दोनों है तो दोनों के साथ केमिस्ट्री जमेगी। शुभी जी के साथ मैं पहले एक फिल्म कर चुका हूँ, थावे वाली माँ, बिफोर यू की फिल्म थी, तो उनके साथ तो पहले मैं काम कर चुका हूँ, तो बहुत कंफर्ट जोन में था। यामिनी जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, बट ऐसा लगा नहीं सेट पे कि कभी हम दोनों फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी नेचर की हैं, और बहुत जल्दी अपने क्वार्टर के साथ घुल मिल जाती है। उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सेट पे ऐसा नहीं माहौल, वो खुद ही एक अपना एक माहौल बना के रखती हैं कि कोई उनसे अनकंफर्ट फील नहीं करता है, तो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। तो दोनों भी जो एक्ट्रेसेस हैं कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, मैं बोलूँगा कि आप उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखिएगा। हालांकि मैंने भी अच्छा काम किया है, नो डाउट मेरा परफॉर्मेंस भी आपको पसंद आएगा, बट मेरे अलावा उन दो एक्ट्रेसेस ने इतना अच्छा काम किया कि आपको 100% उनका काम पसंद आएगा। तो और आप बोलेंगे कि उन लोगों ने अब तक जितनी फिल्में की है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ये उनकी होगी। सुभी जी और यामिनी जी में अगर चुनना हो तो बेस्ट किसको आप मानेंगे? जी देखिए, दोनों भी एक्ट्रेसेस अब जिस जो करेक्टर्स इस फिल्म में कर रही हैं उनके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता था, जहाँ तक मैं मानता हूँ। देखिए, एक्टिंग सब करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो परफॉर्म कर जाता है, तो इस फिल्म में दोनों लोगों ने अपने अपने करेक्टर को ऐसा परफॉर्म किया है ना कि उनकी जगह अगर मैं शुभी जी को रखता या शुभी जी को उनकी जगह रखता तो शायद वो सही डिसीजन नहीं होता, बट डायरेक्टर ने बहुत अच्छा चूज़ किया है। और कंपेयर तो बात बनती नहीं, शुभी जी अपनी जगह पे परफेक्ट हैं और यामिनी जी अपनी जगह पे परफेक्ट हैं।
जैसे कि हमने जो है बीच में भी आपसे मुलाकातें की थी, तो आप एकदम दाढ़ी घनी दाढ़ी और एकदम अलग लुक में, और अभी एकदम क्लीन सेव हैं, तो कहीं डबल रोल का चक्कर नहीं कि जो है किसी और एक हीरोइन को और किसी लुक में आप दिखा रहे हैं, दूसरी हीरोइन किसी और लुक में आप जो है प्यार मोहब्बत? देखिए यही तो सस्पेंस है कि मैं किसी हीरोइन को मिलता नहीं हूँ और मैं किसके अपोजिट हूँ, यही तो इस फिल्म में देखने वाली बात है। और शुभी जी क्या कर रही हैं और यामिनी जी क्या कर रही हैं, सुंदरी कौन है, सुंदरी किस रूप में दिखने वाली है, इस फिल्म का सस्पेंस है और यही इस फिल्म की जान है। और बहुत शेड्स दिखेंगे, यामिनी जी के शेड्स अलग अलग हैं और शुभी जी के अलग अलग शेड्स हैं, मेरे अलग अलग शेड्स हैं। इस फिल्म से एक एक्टर डेब्यू कर रहे हैं आकाश यादव जी, तो उनके भी शेड्स अच्छे हैं, वो भी अच्छा रोल है उनका इस फिल्म में। उसके अलावा शिवा हैं, युगांत पांडे जी हैं, बबलू खान जी हैं और नमन पाठक जी हैं, सोनिया मिश्रा जी हैं, तो हर किसी को बहुत कुछ करने के लिए इसमें है, तो शेड्स बहुत है। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमेडी है, हॉरर है, इमोशंस है, फैमिली ड्रामा है, तो बहुत सारे शेड्स हैं इस फिल्म में, तो हर किसी के शेड्स अलग अलग देखने को मिलेंगे जी। बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, सुंदरी की क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार गुडरीज, जिनके साथ ऑलरेडी मैं पहले दो फिल्में कर चुका हूं। एक का ट्रेलर अभी हाल में रिलीज़ हुआ है, मेरे रंग में रंगने वाली, जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है और पहले दिन ही 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करा दिया है। दूसरी फिल्म जो आने वाली है साथ छूटे ना साथिया, तो वो फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी है, तो उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया है और ये उनके साथ ही मेरी तीसरी फिल्म है, तो और आगे भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान हम वो मेरे साथ में कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी बन चुकी है, वो मुझे समझ रहे हैं, मैं उनको समझ रहा हूँ। रही बात प्रोड्यूसर की, महेश उपाध्याय जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम लोग बहुत एज अ ईपी वो मेरे साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी एक फिल्म थी बगाओ, जिसमें एज अ एक्टर मैंने काम किया था, तो अभी अगेन फिर से ये जोड़ी आ रही है महेश उपाध्याय और जय यादव की, तो होपफुली बहुत पसंद आएगी लोगों को जी। खासकर महेश उपाध्याय जी, जिसे आपने बोला तो आपके दोस्त हैं, उनके साथ अब तक कितना वर्क कर चुके हैं, देखिए हम दोनों लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। शायद इंडस्ट्री में, अगर इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी को क्लोज फ्रेंड मानता हूँ तो वो है महेश उपाध्याय जी हैं, और महेश उपाध्याय जी भी मुझे शायद सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ही मानते होंगे। बीच में हम लोग कुछ काम साथ में उतना नहीं कर पाए थे, बट मैं तभी टीवी शोज कर रहा था, वो अपना भोजपुरी फिल्मों में अच्छे अच्छे काम करते हैं एज ए ईपी। स्टार्टिंग डेज में मैंने बगावत एक फिल्म किया था, उन्होंने जब भी प्रोड्यूस किया था, तो उसके बाद अभी फिर से प्लान हुआ तो उन्होंने बोला यार जय एक प्लान करता हूँ, मतलब कीजिए, और उन्होंने कंटेंट अच्छा चूज़ किया और डायरेक्टर भी वन ऑफ द आवर फेवरेट डायरेक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया। टेक्नीशियन सारे अच्छे हैं, कोरियोग्राफर सुदामा मीन जी, माही शेरला जी जो डीओपी हैं, जो मेरे पिछले 4-5 फिल्मों में एज ए डीओपी रह चुके हैं, तो सारी टीम जो है ना वो पहले से ही जो साथ में काम कर चुकी है ऑलमोस्ट, और हमारी ट्यूनिंग बनी हुई है, वैसे लोग ही हैं और बहुत ही डेडिकेटेड हैं इस फिल्म को लेके। ये फिल्म कब तक दर्शक देख पाएंगे? हमारा प्लान तो है कि ये फिल्म को हम दिसंबर या जनवरी नेक्स्ट ईयर जनवरी में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको रिलीज़ किया जाए। होपफुली तब तक ये रेडी हो जाएगी और आप सबको देखने को मिलेगी। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को सबसे पहले हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, अच्छी फिल्में देखें, और जो लोग अच्छी फिल्में कर रहे हैं उनकी फिल्में थिएटर में जाके देखें और उनका उत्साह बढ़ेगा, उससे वो और भी अच्छी फिल्में बनाएंगे। और आप लोग अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट इसी तरह से मेरे ऊपर बनाए रखें। अगला नया धमाका क्या होगा? अगला नया धमाका में 3-4 फिल्में हमारी लाइनअप पे हैं, एक आम्रपाली जी के साथ में है भगवान बनवाले जोड़ी, एक काजल जी के साथ में है दहलीज, उसके बाद 2 फिल्में और हैं जिसमें अभी एक्ट्रेसेस का प्लान हो रहा है, शायद उसमें संचिता बनर्जी जी के साथ में प्लान हो रहा है, जिसमें संतोष मिश्रा जी डायरेक्ट करने वाले हैं, और उसके अलावा एक फिल्म और है और वो रत्नाकर जी से बातचीत चल रही है, शायद रत्नाकर जी के साथ प्लान बन रहा है तो वो होगा। दीपक जी के साथ मेरा एक फिल्म का प्लान चल रहा है, दीपक शाह जी जो बाबू जी के नाम से फेमस है, तो होपफुली आने वाला नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।